याद है कुछ समय पहले ही लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी दादी के घर इंडिया वापस आई थी, जहां उसने जल्द ही जॉब ज्वाइन कर ली थी, जिससे कमाए हुए पैसों से वो अपना और अपनी दादी का ख्याल रखती थी। और इसी तरह काफी दिन बीत गए थे, पर अब नायरा चाहती थी कि वो कुछ समय के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाए। इसलिए वो अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले आती है। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नायरा तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड अक्षरा को कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, मैंने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली है तो सोचा कि इस बहाने तुमसे भी मिल लूंगी। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम कल ही मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, हम घर में खूब मस्ती करेंगे और मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला लूंगी। अगले दिन नायरा अक्षरा के घर जाती है, जहां वो देखती है कि वहां अक्षरा के साथ साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी मौजूद थे, जिनमें से एक नायरा का बॉयफ्रेंड था। पर वो अक्षरा को इस बारे में कुछ नहीं बताती और उनसे उन चारों का नाम पूछती है। तभी अक्षरा कहती है कि ये मेरे बेहद ही करीबी दोस्त हैं, जिनका नाम गायत्री, नैतिक, नक्श और कार्तिक है। ये सभी तुम्हारी तरह बहुत फ्रेंडली हैं और हम सभी ने मिलकर एक गेम प्लान किया है, जिसमें हारने वाले को अपोजिट जेंडर के किसी एक शख्स को किस करना होगा। इसी तरह सभी साथ मिलकर गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन नायरा पहली बारी में ही हार जाती है और उसे नैतिक, कार्तिक और नक्स इन तीनों में से किसी एक को किस करना होता है। पर नायरा बहुत ही जल्द फैसला कर लेती है कि वो इन तीनों में से किसे किस करेगी। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नायरा इन तीनों में से किसे किस करने वाली है? अगर हाँ तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, नायरा नैतिक, कार्तिक और नक्श इन तीनों में से नक्श को किस करने वाली है, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो नक्श ने अपने गले में जो लॉकेट पहना हुआ है, सेम वही लॉकेट नायरा ने अपने हाथ में भी पहना हुआ है, यानी कि नायरा उसे पहले से ही जानती है जो उसका बॉयफ्रेंड है, और इसलिए नायरा इन तीनों में से नक्श को ही किस करने का फैसला करती है। दोस्तों, आपने इस मजेदार पहेली का जवाब देने में कितने सेकंड का वक्त लिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और रोमांचक पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।